तो सर अभी फिलहाल हमारे पास ऑर्डर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से है, जो छोटे साइज जो हम घर घर तिरंगा के लिए लगा रहे हैं। और दूसरा है बीएमसी से, अभी बात मतलब आजकल में शायद फाइनल हो ही जाएगा। वो उनको हमने 5 लाख फ्लैग्स के कमिटमेंट दिए हैं, और बाकी तो फिर ऑल ओवर द कंट्री से कुछ ना कुछ डिमांड आ ही रही है थोड़े थोड़े से। सर बात करते हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक अभियान निकाला है घर घर तिरंगा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, लोगों में किस तरह की उत्साही पर मिलकर एंजॉयमेंट कितना रहेगा? सर तो इस बार एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जे जहाँ पे इंडियन फ्लैग्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है इस बार, और ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा शूटर, तो हम एक्चुअली वॉर फुटिंग पे है। वो डिमांड की जो मतलब जितना से ज़्यादा मैक्सिमम सप्लाई हम उसको फुलफिल कर सके, क्योंकि आज से पहले मतलब अगर आप नंबर्स आंकड़े देखेंगे तो ऑन एन एवरेज मतलब कोविड के पहले की बात है, एट द मोस्ट मे बी 5-6 थाउजेंड या कुछ हजारों में डिमांड रहती थी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई, और इस बार तो मतलब लाखों करोड़ों में है। तो मतलब कंपैरिजन ही कुछ है नहीं इस क्योंकि हर घर तिरंगा का इनिशिएटिव उनका यही था कि जैसे दूसरे देशों में ऑलमोस्ट एवरी मतलब नुक एंड कॉर्नर में आपको दिखेगा, जैसे इट जी डजेंट मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो या गवर्नमेंट भी हो, उनके बिल्डिंग के बाहर या आपको झंडा नजर दिखता है, तो वैसा ही उनका कोशिश है कि इस बार भी ऐसे तरीके से मनाया जाए क्योंकि अमृत महोत्सव है।